गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सरिता यादव फ्रॉम सूर्य स्कूल नंदरगढ़। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महर्षि कैनाथ एक फिलोसोफर था जिसने हमें बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया? परमाणु। उसके बाद यूसिपस एंड डेमोस्ट्रेटस ने उसको नाम दिया एटम। इसका मतलब होता है अनकटेबल थी, ठीक है, अनकटेबल। फर्स्टली महर्षि कैनाथ ने बताया था कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, मैटर इज मेड अप बाय वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर These particles are called atoms, molecule. इन particles को हम लोग क्या कह रहे थे? Atoms and molecules. तो जो small particle है हमारा, क्या कहते हैं कि वो further divide नहीं हो सकता, ठीक है, according to महर्षि। एक चीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर कंटेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर जो मैटर है वो अलग अलग होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी अलग होगी। वो इसीलिए होगी क्योंकि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम और मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही डिफरेंट होंगे तो मैटर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं रिएक्ट टुगेदर, रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट। सिमिलरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड्स। जैसे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे या कंबाइन होंगे और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड्स की। तो ये चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे टू लॉ और आते हैं, जिसमें वन है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट के प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो मास है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है उसका जो टोटल मास है वो किसके बराबर रहेगा? प्रोडक्ट के बराबर। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट
इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये एरो क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करेगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर. तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका जो टोटल मास है वो कितना होता है, 100 ग्राम. ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, रिएक्टेंट. अब अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट 2 है, तो दोनों का हम लोग अगर करेंगे तो 56 प्लस का 44, टोटल ये भी कितना हो गया, 100 ग्राम. तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अपने पास क्या हो गया, प्रोडक्ट. तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आ रहा है, 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम. ये क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट. और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. इसके अंदर क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनके जो मास का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की जो फॉर्मेशन, हम दो तरीके से CO2 की फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं. फर्स्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. सिमिलर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड होके हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में जो इनके मास का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा, 3:8. ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है मास, 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32. जब हम इसको निकालते हैं तो अपने पास आता है 3:8. ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है. ऐसे ही सिमिलर H2O हो गया, वाटर, उसका 1:8, इसके जो मास का जो रेशो है ये रहेगा अपने पास. तो ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन.